खबर जहां कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और कहा कि ये बीजेपी का बनाया गुब्बारा था जिसकी हवा निकली है। बीजेपी के नेताओं ने भ्रम फैलाया था कि कमलनाथ और कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं। तो ये बड़ी चीज और गुब्बारा था बीजेपी का, जबरदस्ती का, कि कैसे मूल मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए। एक गठजोड़ जो बना, इस गठजोड़ में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मीडिया को उन्होंने बरगला के कैसे इस गठजोड़ ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इस तरह के कार्य, पहले दिन स्पष्ट रूप से अध्यक्ष जी ने आके सीधी बात क्लियर कर दी थी और उसके बाद रोज लगातार इधर उधर की बातें, किसी अखबार में पढ़ो तो 22 चले जाएंगे तो ये दल बदल नहीं लगेगा, ये आंकड़े नहीं मालूम है, किसी के 30 जा रहे हैं। ये आंकड़े की जो सब्ज बाग के सवाल है इसका तो कोई जवाब नहीं दिया जाता। कमलनाथ जी हमारे नेता है, हम सब मिल के कांग्रेस पार्टी की तैयारियों में लगे, आज भी यह यात्रा की तैयारी चल रही, उससे पहले वो वहां थे और उस दिन भी जब मेरे सवाल पूछा था कि दिल्ली गए तो क्या दिल्ली जाना कोई नई बात हो गई, कमलनाथ जी दिल्ली गए तो ये खबर हो गई। खबर क्या है कि प्रदेश के अंदर हालात क्या है, बेरोजगारी क्या है, नौजवान क्यों परेशान है, इसके ऊपर जिस दिन सारे चैनल चलने लगेंगे उस दिन इस तरह की कोई खबरें ही नहीं आएगी, ना तो कोई लोटस ये कुछ भी नहीं है। अभी तो इनके टूट के बैठे ये भी आए कि भैया दो बार के सांसद रहे बीजेपी से कि हमें टिकट दे दो, रोज यहां पे ढूंढते आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ एक है, मजबूती के साथ लड़ रही है। साथ जुड़ गए हैं वासु। सीधे तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि ये बीजेपी का गुब्बारा था जिसकी अब हवा निकल चुकी है, यानी कि वो ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसी भी कोई बात थी जिसमें कि ये सुनने में आए कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले, यहां पर सब एकजुट हैं और ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है। अब इसके मायने क्या निकाले जाए, क्या समझ लिया जाए कि सब कुछ ठीक है कांग्रेस में? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में पिछले अगर आप 3-4 दिनों को देखते हैं तो जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम हुआ, कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को बीजेपी में शामिल होने की जो बातें हैं, जो खबरें हैं, वो लगातार निकलकर सामने आई। और दरअसल ये 3-4 दिनों की बात नहीं है, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इस तरीके की चीजें चल रही थी। और जब मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने राज्यसभा का अपना प्रत्याशी अशोक सिंह को घोषित किया उसके बाद ये अटकलें जो है वो और भी ज्यादा तेज हो गई। लेकिन इस सबके बीच कई सारी पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिली, भोपाल से लेकर दिल्ली तक तमाम नेताओं के बयान आए, चाहे बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के हों, लेकिन आखिरकार कांग्रेस जो है वो फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रही और कमलनाथ बीजेपी में नहीं गए हैं, कमलनाथ कांग्रेस में हैं। और आज जो बैठक हुई पीसीसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, उसमें भी कमलनाथ वर्चुअली जुड़े और नकुलनाथ के भी अब कांग्रेस की टिकट पर ही छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने की जो बात है वो निकलकर अब लगातार सामने आ रही है। सबके बीच अब कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का साफ तौर पर ये आरोप है कि बीजेपी ने इस तरीके की सनसनी फैलाई, बीजेपी ने इस तरीके के रूमर्स फैलाए, ऐसी कोई बात नहीं थी, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ एकजुट है, कमलनाथ कांग्रेस के साथ है और तमाम दिग्गज नेता, तमाम बड़े नेता जो है वो कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। और वहीं बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो बार बार सतह पर दिखाई देने लगती है, कांग्रेस के नेताओं की जो असंतुष्टता है वो लगातार नजर आती है और उसी की वजह से ये सारी जो बातें वो होती है। लेकिन ये मामला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है, आगे भी इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप और बयानों की जो तीर है वो कांग्रेस बीजेपी के नेता एक दूसरे के ऊपर छोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आने वाले समय में मध्यप्रदेश में लोकसभा का चुनाव होना है और इस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ का गढ़ ही है, क्योंकि 19 के चुनाव में बीजेपी जहां 28 सीट मध्यप्रदेश में जीत गई थी वहीं सिर्फ 1 सीट छिंदवाड़ा वो नहीं जीत पाए थे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, 29 में से 1 सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने मिशन 29 भी सेट किया है। ये राह मुश्किल तो होगी लेकिन काफी दिलचस्प भी होगी वासु। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई ऐसे बयान आते ही रहते हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी।